मेरे रील्स के चाहने वालों, तो पुष्पा बहुत जल्द आने वाली है और उसमें थोड़ी सी ना आप लोगों की हेल्प चाहिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सूरज भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, थोड़ा सा ना पेटीएम कर देना। हाँ भाई, सूरज भाई को दिखाओ। So, hello guys, welcome back to another video, welcome back to my channel. अभी बज रहा है रात के 11 और भाई साहब ये टाइम इसलिए है व्लॉग शुरू करने का बिकॉज हम पूरा दिन बहुत कायदे से सोए। हीरो का इवेंट अटेंड करने के बाद जब हम लौटे तो फिर हम चले गए राइडर्स पैराडाइज कैफे हारिस भाई के साथ। उसके बाद जब लौटे तो रात के 3 बज गए और 3 बजे फिर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फ्लाइट अपनी मिस हो चुकी थी, बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो हमने सोचा लाओ भैया एक मस्त सा रूम लिया जाए, होटल में गई और सो जाया जाए चुपचाप क्योंकि 2 दिन हम लगातार जग रहे थे। 3 बजे सोने के बाद वापस से उठे भी 3 बजे ही, तो 12 घंटे की पावर नैप नहीं कहेंगे इसे, पूरी कंप्लीट नींद लेने के बाद जब 3 बजे हम उठे तो हम गए मैकडी। मैकडी में हमने मस्त बर्गर खाए, एक मील दाबने के बाद हम आगे अपने भैया के यहाँ और अब फाइनली सारे इक्विपमेंट चार्ज कर लिए हमने, चार्जिंग पे जो बचे उन्हें लगा दिया क्योंकि हम कुछ नहीं लाए तो जो चार्जर समेट के सारे घर में सारे घर वालों चार्जर मांग के हमने सारे गैजेट लगा दिए हैं। और फिर अब हमारा प्लान कुछ बदला, प्लान में बदलाव कुछ ऐसा आया कि हम ना तो लगेज लेके आए, ना हेलमेट लेके आए, ना राइडिंग जैकेट लेके आए, ना राइडिंग बूट लेके आए, तो क्या किया जाए। फिर हमने हीरो को कॉल किया बिकॉज हमें करिश्मा का ही शूट करना है, तो हीरो जो बंदा मैनेज कर रहा है उसको फोन किया, हमने कहा भाई हो चुकी है दिक्कत, अपनी फ्लाइट हो चुकी है, मैं क्या करना है अब ये बताओ। तो 1 तारीख को हमें निकलना था उदयपुर आगे राइड शूट करने के लिए जिसमें हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंडिगो से ही, और इंडिगो के ऊपर अपना मूड था पहले से खराब। हमने कहा भाई इंडिगो से जितनी भी फ्लाइट हमारी नेक्स्ट है उन्हें कृपया करके आप कैंसिल करो सबसे पहले तत्काल प्रभाव से। भाई ने पूछा, सारी सिचुएशन हमने बताई, तो भाई ने तुरंत इंडिगो एकदम मस्त कैंसिल कराई। एयर इंडिया से अब हमारी कल सुबह की फ्लाइट है, मतलब सुबह 10:55 पे हम उदयपुर पहुंच जाए, मतलब उदयपुर के लिए उड़ान भरेंगे, 12:30 तक हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो शूट हमारा 1 को होने वाला था अब वो हम शूट करेंगे 1 दिन पहले, मतलब करेंगे 1 को ही, वैसे हम 1 को निकलते और 2 को शूट करते, अब हम कल निकलेंगे और 1 को शूट करेंगे, तो 1 दिन हमारा बच गया। तो कल के दिन हम उदयपुर निकलेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपसे शेयर करी कि ना तो हमारे पास राइडिंग बूट्स हैं, तो हीरो में जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा हम आपको अवेलेबल करा देंगे, हमने कहा थैंक यू सर, फिर उसने कहा हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ अवेलेबल करा देंगे आपको A to Z, बस एक चीज की कमी है कि हेलमेट में माउंट लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉगर नहीं है। तो हमने कहा इसके लिए दिक्कत है क्या किया जाए, हमने हारिस भाई को तुरंत फोन किया तत्काल प्रभाव से और कहा कि अरेंज कराओ एक हेलमेट मस्त है जिससे मैं मोटो लॉगिंग वहां पे कर पाऊं। तो भाई ने बात की और मयंक भाई ने, मतलब उसका तो हारिस का हेलमेट थोड़ा छोटा है क्योंकि वो स्मॉल पहनता है, उसका खोपड़ी थोड़ी छोटी है, बाल छोटे छोटे है ना, तो उसने कहा मेरा साइज मीडियम। तो मयंक भाई से बात हुई और मयंक भाई के हमें घर जाना है, कुल मिला के बहुत लंबी स्टोरी थी, कपड़े वही पहन के काम चलाना पड़ेगा और हो सकता है कि हम उदयपुर में कल शू मतलब कपड़े वपड़े खरीदने निकले। वैसे हम अभी गए थे दुकान पे, मंजन खरीदा, ब्रूज खरीदा, खांसी आ रही थी, सिरप खरीदा, थोड़ा सा बहुत कुछ खरीदा, फेस वॉश लिया, ये सब फेस वॉश लिया, ये सब लेने के बाद टूथपेस्ट टूथब्रश जरूरत का सामान था वो हमने ले लिया है। अब तत्काल प्रभाव से हमें जाना है साकेत की तरफ जो कि 24 किलोमीटर दिखा रहा है भैया यहाँ से, और 40 मिनट है, और 40 मिनट का रास्ता है। हेलमेट उड़ाने के बाद भैया हम हारिस भाई से मिलेंगे फिर देखो क्या होता है, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज रात में निकले थे 11 बजे और मस्त व्लॉगिंग शुरू की कि रात की व्लॉगिंग आपको दिखाएंगे व्लॉगिंग, लेकिन सामने आप देखिए नजारा यहाँ का। रात में निकलने के बाद भी साला ट्रैफिक, इसीलिए रात में निकले कि रात में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जहाँ मन करेगा झंझनाते हुए चले जाएंगे, लेकिन हमको तो लग रहा है मैं दिन में निकला हूँ इतना ट्रैफिक है, देख रहे हैं आप 11 बज रहे हैं भाई 11 नहीं 11:30 बजने वाला है, ये घड़ी स्लो है, 11:12 हो रहा है, 11:17 हो गया, 5 मिनट स्लो चलती है टाटा। तो भैया आप ट्रैफिक में गए फर्स्ट और जाना है हम लोगों को बहुत दूर, जाना है अपने को साकेत जाना है हमें चांद के पास, और चंद्रयान चला गया सर। ट्रैफिक बहुत लंबा है और अभी मैप में दिखाता हूँ गाइस, बहुत ही लंबा ट्रैफिक है। कैसे दिखाओगे मैप में? अरे हाँ यार ये बात भी है यार, मैप भी मेरे फोन में चल रहा है और वीडियो भी मेरे फोन में बन रहा है, शिट। सो गाइस प्लान में आया है एक बदलाव, अभी अभी हारिस भाई का फोन आया, उनके भाई को, छोटे भाई को, शानू को हमें कहीं से उठाना है जाकिर नगर से, तो अब हम पहले मयंक भाई के यहाँ नहीं जा रहे, पहले जा रहे हैं जाकिर नगर, वहां से उनके भाई को उठाएंगे और फिर जाएंगे मयंक भाई के घर, उसके बाद हमें हारिस भाई मिलेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर हम लोग फिर पीछे जा रहे हैं, शानू भाई आ गए, क्या हारिस भाई, या मेरे रील्स के चाहने वालों, भाई आ गए, क्या हाल है, कैसे हो, बढ़िया भाई, एकदम मस्त, कैसे भाई, देख रहे हो भाई, तो वो बाहर आते हैं हम लोग पहले, और भाई बस बढ़िया मस्त एकदम, बहुत ऐसे ऊपर करना पड़ रहा है कैमरा, ये व्लॉगर नहीं, व्लॉग वैसे भाई का ही है, भाई एक्सरसाइज है ठीक है, थोड़ा मेरा भी बड़ा खोपड़ा,
इसे बेल अगलावा पहन लेना, बाकी ये हैंकी बांध लेना, कैमरा लगा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी हाइट जो है वो 5'11" है, और जब मैं भाई के बगल में खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है मेरी हाइट 4 फीट हो चुकी है। और इसका यही फोन आया था कि भाई तुम्हारा हेलमेट ही आएगा, उनका भी सर बड़ा है। तो उसका हेलमेट तो स्मॉल है, बहुत छोटा, मेरे अंदर जाता ही नहीं है सर। मैं मेरे अंदर नहीं जाता है क्या मतलब? सर में बोला मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा, समझ रहे हो, किस्मत ये है कि सूरज भाई हमारा हेलमेट पहनेंगे भाई। एक व्लॉग में मेरा हेलमेट चमकेगा, लोग पूछेंगे ये गुलाबी कलर का हेलमेट कहाँ से मिला। अरे आरिस भाई है क्या जाकिर नगर वाले है? आज तो पूरा दिन ही बिजी है भाई, क्या बात है? कहाँ भैया चल लिया है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऋषिज चैनल। तो क्या हाल है आप लोगों के? मेरा चैनल नहीं है भाई, इसी का ही है। सूरज भाई सॉरी, वेलकम बैक टू लीगल बंजारा, राइट? और क्या हाल है सभी के? सूरज भाई जल्दी सूरज भाई के चैनल पे कमेंट करो, ये बहुत जल्द ना पुष्पा या पुष्पा से रिलेटेड कुछ लाने वाले हैं। देखो भाई मैंने तुम्हारा राज खोल दिया, पब्लिक बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रही थी, जहाँ भी जाते हैं हमेशा ही बोलती थी पुष्पा कहाँ है, पुष्पा कहाँ है। तो पुष्पा बहुत जल्द आने वाली है, और उसमें थोड़ी सी ना आप लोगों की हेल्प चाहिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सूरज भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, थोड़ा सा ना पेटीएम कर देना। हाँ भाई सूरज भाई को दिखाओ नंबर, ना सुनो नंबर ना सूरज भाई मेरा डाल देना, ठीक है? तो मैं पुष्पा तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, बिल्कुल डन। कहीं लेके चलोगे कि नहीं? हाँ अब जा रहे हम लोग पार्टी करने। अभी बूबू होगा उसका भी देखो व्लॉग बनता ही नहीं बनता, सूरज भाई को नचाएंगे यूं करके। भाई चलो यार। सो गाइस फाइनली हारिस भाई और हम लोग खा पी के आ चुके हैं वापस, और हारिस भाई निकल गए अपने घर, अब हम जा रहे हैं अपने यहाँ। बज रहा है 3:16, हेलमेट हमें मिल चुका है ऑलरेडी, अब हमारा शूट का काम आसानी से हो जाएगा, बिकॉज सारी चीजें अब हमें वहाँ मैनेज हो जाएंगी। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30, और हमारा कैब ड्राइवर आ चुका है हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए 7:30 बजे, और बहुत बार हमें कॉल कर चुका है, तो अब 8:30 बजे तक हम लोग निकल रहे हैं। हो गए थे, देखते हैं 9:55 की हमारी फ्लाइट है, वैसे आज तो पहुँच जाएंगे आराम से, हमें लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट, और पता नहीं भाई क्या ही कर रहे हैं, पेन ढूंढ रहा है साइन करने के लिए, देख रहे हो गाइस। और ये देखो एक मस्त सी उरुस खड़ी हुई है, गेरुआ रंग की है भैया, वो देखो उरुस, ये उरुस। इतनी देर से इंतजार किया था तब नहीं आया, चूतिया अब यहाँ खड़ा है लेके, आओ जान पड़े पहले। तो गाइस चेक इन वगैरह सब हो चुका है, हो गया भाई चेक इन हो गया, फालतू खड़े हुए थे। एक कोई फॉरेनर था शायद चाइना का था, उसके बैग वगैरह नहीं क्या क्या निकाल रहे थे वो लोग और चेक कर रहे थे, तो उसके चक्कर में हमारा लगेज पता, हमें लगा कि आज भी फ्लाइट गई हमारी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं उदयपुर, उदयपुर रॉक्स, पहली बार आए उदयपुर, पहली बार उदयपुर खरीदने। तो शुरू तो खत्म हो गए यहाँ पे एयरपोर्ट, इतना सही है क्या? ठीक तो है यार, इतना ही होना चाहिए, एयरपोर्ट में क्या करोगे, बड़ा होना चाहिए एयरपोर्ट, सामान तो अपने को लेना नहीं है कुछ, ताकि फ्लाइट कैंसिल होती रहे। भाई 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 ये जन्नत है भाई, अरे इधर ले लो भाई, हैं? अरे गिफ्ट करेंगे लोगों को भाई। कहाँ आ गए हम लोग? हम लोग आ गए हैं सिटी ऑफ लेक्स में। सिटी ऑफ लेक्स? यस। तो ये तलावा कहते हैं उनको, तलावा, तलाब, तल तला हुआ होता है क्या? सिटी ऑफ लेक्स ऊपर से देखे ना हवाई जहाज से, शुरू तो खत्म हो गया, नीचे तलावा ही तलावा रहा है उनका, बताओ तो। एयरपोर्ट तो शुरू तो खत्म हो गया यार, अरे महात्मा गांधी बैठे यहाँ पे। चलो गाइस चलते हैं, वेलकम टू उदयपुर, वेलकम टू उदयपुर। सही है यार ये होटल रेडिसन, ऐसा मतलब मुझे रेडिसन से ही उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बनाता है। क्या बात है भाई, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर, चेक दिस आउट गाइस, सामने बड़ा सा तलवा है, तलवा दिखो, तलवा देखो, तो हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने। गाइस आज पूरा दिन मौज करना है बस कपड़े भी खरीदने हैं यार, एक एक टी शर्टें खरीदनी है, तो महंगे ब्लॉगर के इसमें हमारे जैसे छोटे छोटे। तो गाइस हम लोग आ गए थे, क्या कहते हैं, कहाँ आए थे तुम? उदयपुर हम लोग उदयपुर आए थे। अच्छा। देखिए हमें कौन मिला याददाश्त, देखिए हमें कौन मिला याददाश्त, खूब याद रखिएगा, हमें भूलिएगा सर, हमें भूलिएगा नहीं, जोर से मार लगा था बच्चों, ब्रांड सारे ब्रांड्स के भगवान, डीनो सर, सर आपके पैर भगवान, अरे सर, ओ माय गॉड सर,
हमें ऐसे कर देते तो कि क्या बोलूं, मैं एकदम चुपचाप हो जाता हूं, बस नॉइस कैंसलिंग ऑन कर लेता हूं। सर एकदम डुगाटी फरारी दे रहे, देख रहे तब लाल है डुगाटी फरारी। फरारी तो आएगा नहीं, खिलौने आने हैं फरारी के, खिलौने डुगाटी सर बता रही है, डुगाटी आने का। सर ने भूसा लिया है बहुत तगड़ी सी, बहुत मुश्किल से इन्होंने चार बाइक बदले, मैंने एक इसका मतलब देखिए सक्सेस रेट इसका मतलब सर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं सर घर लेने में इन्वेस्ट कर रहे हैं है ना सर, सही कहा ना मैंने, तीन घर तीन घर। अरे तैयार तैयार कहाँ आई हो, रेडिसन होटल या रूम आगे वाला यहाँ यहाँ कंफर्म। तुमने सुना था पहले कि यही है अपना, तुम सुन के आए थे अपना रूम नंबर? हाँ भाई 1018, सुनने का क्या, देखो भाई खोल नहीं पा रहा हूँ 1008, कुछ देर रुकना पड़ेगा भाई, देख रहे हो खुल गया, खुल गया गाइस, खुल गया, चेक दिस आउट गाइस, और ये ससुरा। अरे ये क्या है भाई, कहाँ पिंक लिप्स। अरे तो गाइस चेक दिस आउट, आज का भाई रेडिसन में हम लोग का स्टे एकदम तगड़े से माहौल बना देंगे, एक बिस्तर दो बिस्तर, बाटा भी है ब्रो, हम दोनों के लिए एक बिस्तर होना चाहिए, दो बिस्तर क्या होता है, कम से कम चिपक के सो सके। ये देखिए गाइस क्या है, क्या है ये लेक का व्यू, गाड़ी के कचरा दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये पिछवाड़ा भाई, लेक किधर गई, लेक वो रही लेक उस पार है, लेक का व्यू अलग से दिखेगा, बढ़िया है इधर बैठिए आप एकदम मस्त। माय नेम इज सूर्या, सूर्या डॉन, सूर्या डॉन जमीन दिला देगा आप। इधर बाथरूम देखते हैं कैसा है, ये क्या पोछा है क्या, ये दो रूम अगर एक साथ जोड़ना हो तो। अरे भैया बाटा वाटर सब भाई, जलवा जलवा भाई, क्या बात है, यहाँ नहाइए इधर आप मस्त लेट जाइए, ये तो कुछ वैसा है जैसे रनिसा था बैंगलोर का। और ये पर्दा नीचे गिरा लीजिएगा नहीं तो केस हो जाएगा आपके ऊपर, ये देख लीजिए पर्दा नीचे नहीं गया ना, तो कहानी सेट सब ऐसे ऐसे कहानी सेट। अच्छा यहाँ पे मतलब वो वाला बटन नहीं है, वो टुई दबा के और पूरा सिस्टम बटन नहीं है, थोड़ा गरीब है रेडिसन, ऐसा कितना नहीं है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, चिल करेंगे और अपन थोड़ा नहा के निकलेंगे कुछ खाने पीने, बिकॉज भूख लग चुकी है, ब्रश वश कर लेते हैं यार, रास्ते में कल खरीदे थे हमने ब्रश और फेस वॉश डीओ ये सब खरीद लिया था हमने, और बस कपड़े इसी कपड़े में देखोगे आप हमें तीन चार दिन तक, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है, अगर शॉपिंग करने का टाइम मिल गया तो ठीक है, एक टी-शर्ट खरीद लेंगे। बाकी रूम भाई बहुत तगड़ा है, मजा आ गया, टीवी चल जाए, ये समझो यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे आप लेट के आराम कर सकते हैं। सो गाइस खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, मस्त एकदम पेट टाइट हो चुका है, अब निकल रहे बाहर की तरफ थोड़ा बहुत घूमने टहलने, बिकॉज हम लोग पास कुछ भी नहीं करने को, डिनर सर चले गए अपने रूम में, मस्त कहें शाम में निकला जाएगा। झूठ मत बोला, तुमने भी खुद ही कहा सांस नहीं आ रही मेरे, सांस नहीं आ रही, अंडरग्राउंड के सांस नहीं, बहू आएगी अभी। चलो भाई देख रहे हो भाई रेसिडेंट रेडिसन यार, रेडिसन भाई रेडिसन। तो गाइस फाइनली हम घूम रहे थे अपने होटल, होटल का मुआयना कर रहे थे, ये है रेडिसन ब्लू, और हमें एक बहुत बढ़िया चीज दिखी, ये आप देख रहे हो ना, इन्होंने मार्बल से यार मस्त सा बनाया हुआ है चेन, एकदम ये मार्बल है यार, ऐसे कैसे मतलब इन्होंने उसके अंदर डाल दिया है एकदम डिजाइन बना के, बढ़िया है यार, कटिंग वटिंग की है एकदम रापचिक रौला, और बैटरी वाली साइकिल है आप टहल सकते हो लेके सामने, और भाई साहब इधर हमारा स्विमिंग पूल है और ये गार्डन है, काफी बड़ा होटल है यार, मतलब तोड़ा जापान, केंजी तोड़ा जापान 2013 जापान का है मतलब ये। तो दोस्तों हम लोग टहलते टहलते आ चुके हैं गेट पे, और हमें दिखा अचानक से यहाँ पे एक फवारा, इसे देख के हमें कुछ याद आ रहा है, आप लोग को क्या याद आ रहा है जरा कमेंट करके बताओ तुम्हें भी कुछ याद आ रहा है? हाँ तो रहा है, पैदल चलो, टांगे वांगे करो पतली, ठीक है समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो वर्ल्ड राइड करनी की नहीं, पूरी वर्ल्ड राइड का प्लान कर रहे हैं हम लोग गाइस, वर्ल्ड राइड नॉन स्टॉप वर्ल्ड राइड, मतलब रुकना ही नहीं ना, खाना ना पीना ना कुछ नहीं, नॉन स्टॉप। सो गाइस हम दोनों फिर निकल चुके हैं हमेशा की तरीके, आप तो जानते ही हमारा नेचर, हम दोनों ऐसे बंदे हैं जो असली में एक्सप्लोर करते हैं हर सिटी को, और देख रहे हैं टिम आपका टमटम में, टमटम में स्वागत है सर आपका, आज हम जा रहे हैं घूमने, टेम्पू से जा रहे हैं हम लोग, फतेह सागर को जाना है, टेम्पू जा रहे हैं घूमने, और बहुत तगड़ी बार्गेनिंग की है भैया, दिखाते हैं अभी आपको कितनी तगड़ी बार्गेनिंग की है हम लोगों ने मिलके, और टहलते हुए हैं भैया हम लोग रेडिसन ब्लू से, हां टहलते हुए निकले हैं। तो गाइस टेम्पो से घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके हैं लेक के बगल में, एंड ये देखिए गाइस मस्त सी लेक, अभी जाएंगे अंदर हम लोग, ₹20। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि चूतिया काटने का सिलसिला जो है वो राजस्थान में बरकरार है, हर जगह जैसा कि रहता है,
ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ लोग चूतिया नहीं काटते हैं। सबसे पहले हम रेडिसन ब्लू के सामने निकले, हमने एक टेम्पो वाले से पूछा, ऑटो था, कि भाई हमें मार्केट वर्केट थोड़ा बहुत टहरा दो, थोड़ा बहुत घुमा के ले आओ। बताया 500 रुपये। मैंने कहा यार 500 रुपये इतने में तो कैब आके चली जाएगी। फिर हम लोग का नहीं जाना, पैदल घूमेंगे, तो कह रहा 100 रुपये, समझ रहे हैं। उसके बाद एक घुमटी पे हम लोग ने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लेक चले जाओ, लेक पास में, तो टेम्पो पकड़ के चले जाओ। तो हमने पूछा टेम्पो किराया कितना, उन्होंने कहा 10-10 रुपये लेगा। टेम्पो वाले को रोका हमने, हमने कहा चलो भैया कितने रुपए लोगे, कह रहा 20 रुपए। मैंने कहा कितने लोगों का, कह रहा एक आदमी का। हमने कहा वो तो कह रहे हैं 10 रुपए, कह रहा बैठो। मैंने कहा वाह भाई वाह, गजब चूतिया काट रहे हैं, गजब चूतिया काट रहे हैं भाई। अगर पता नहीं है तो आप दब गए। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लेक, और पहाड़ों के बीच में लेक का नजारा देखिए आप, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम मजेदार लेक व्यू है। क्या बात है, कहाँ ही आ गए यार, ये राजस्थान ही है। सो गाइस पैदल चलते चलते हम भैया थक गए बहुत तेज, अब जा रहे हैं वापस होटल, और हमारा होटल ही है भैया ये सामने जस्ट। तो देखिए हमका गोला थमावा गए का, इधर से एक शॉर्टकट हमका लग रहा है रास्ता है, बिना टेम्पो हम लोग पहुंचे हुए हुआ था। टेम्पो करके जरूरत है ना पड़ी भैया, समझे। लेक जो है पता नहीं क्या गंदी है, देखो सब झाड़ी वाड़ी निकल जाएगी का, साफ वाफ करके जरूरत है। और बिच्चम अगर जाग मिल जाए, बिच्चम कहाँ जावा, अच्छा बोर्ड से जावा जाए। अबे बिच्चम कौन यू महिला है, मंदिर है महिला क्या है यार, कहाँ जाने का मन तो है लेकिन चलो यार समय नहीं है, आओ चले आप। चलते हैं भैया होटल यार, थोड़ा आराम करते हैं भाई। जब नेक्स्ट टाइम प्रॉपर उदयपुर घूमने आएंगे तब ये सब एक्सप्लोर करेंगे आराम से, ठंड में, समझ रहे हो। हमारे लिए बहुत तगड़ा एक्सप्लोर किया वैसे आधे घंटे के अंदर, और क्या भाई, कुछ तो देगा, एक दो फोटो खिंचाई, और क्या, और क्या चाहिए लाइफ में। इतनी घुमाई होने के बाद फिर से आ चुके हम लोग ऑटो में, थोड़ा सा बड़ा वर्जन है ऑटो का, ऑटो से ट्रैवल चल रहा है भैया तगड़ा वाला। तो गाइस ऑटो से आ चुके हैं हम लोग अपने होटल पर, जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। गाइस ऑटो से आ चुके हैं हम लोग होटल, चंदन भूल गए। तो गाइस अपन आ चुके हैं डिनर करने, आज का डिनर करने के बाद जाके चुप्पी मार के सोना है बस। सुबह राइड है 5 बजे। तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया पता है, क्या? सोते सोते बाहर मस्त डांस चल रहा था यहाँ का फेमस राजस्थानी वाला। तो गाइस हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं, और मस्त ये पैलेस की तरह का जो यहाँ का होटल है रेडिसन ब्लू, और टहल रहे हैं, पूरा मुआयना कर लिया हमने, इतना एरिया, इतना बड़ा एरिया है, सोच रहा था इसको खरीद लूँ फिर पता चला औकात नहीं हमारी समझ रहे हो, समझ में आया कि औकात नहीं है हमारी, नहीं इतना बड़ा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास, कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अगर हमारी होती भाई साहब तो मतलब यार बहुत बड़ा है, घूम ही रहे हैं तब से, खत्म ही नहीं हो रहा इसके बाहर। हम लोगों ने भाई सो लिया तो हम लोग बोर हो रहे हैं, खतरनाक वाला। ये देखो मोमबत्तियां रखी हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं रोज, आज जल नहीं रही हैं। और वो जो आपको वो जो ऊपर आपको लाइट दिख रही है वो पहाड़ के ऊपर कुछ है, मंदिर है या होटल है कुछ तो है वो। क्या सीन आ रहा है आप देखिए गाइस, एकदम मतलब नजारा देखिए एक बार होटल का। सो गाइस फाइनली आज का दिन इसी तरह समाप्त होता है, तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारी 5:30 बजे मतलब जग जाना है, 5:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 6 बजे से हमारी राइड जो है वो शुरू हो जाएगी, और 12:30 के आसपास 100 किलोमीटर की हमें राइड करनी है वन साइड, मतलब टोटल 200 किलोमीटर की राइड करनी है कल करिश्मा पे भाई साहब। तो करिश्मा एक्समार का पूरा हम फील लेंगे, सारी चीज़ें टेस्ट कर डालेंगे जितनी पॉसिबल होंगी, और फिर रात की हमारी फ़्लाइट है वापस की, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है दिल्ली टू लखनऊ, बट अब हम मासा भाई का मतलब मयंक भाई का हेलमेट लेके आए हैं तो उसे हमें वापस भी करना है दिल्ली में, तो देखते हैं कि कैसे हम फ्लाइट छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, कुछ अभी कंफर्म नहीं है, जो भी है आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट देंगे। फिलहाल इस व्लॉग को यही हम खत्म करते हैं क्योंकि भाई अब थक चुके हैं पूरी तरीके से, टायर्ड हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, सी यू सून, बाय बाय।